हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, देखो आज मैं लेकर आया हूँ लूम सोलर पैनल और मेरा ये लैपटॉप। और आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ कि इससे आप कैसा चार्ज कर सकते हो। और इसके लिए चाहिए आपको एक वेंट्रो का इन्वर्टर, मतलब कार इन्वर्टर होता है छोटा सा एक, जिससे आप कार के बैटरी से भी अपना मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो, इमरजेंसी के लिए काम कर सकते हो। इस तरह का मेरे पास एक यूनिट है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। तो इस जो ये तीन आइटम, मतलब आपका ये जो सोलर पैनल है ना, और एक जो कार इन्वर्टर है वो, और इस तरह का लैपटॉप मोबाइल, आप किसी तरह का चीज़ है आप इसको चार्ज कर सकते हो, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं देखो पहले से मैंने कनेक्शन करके रख दिया। ये देखो, ये पीछे का बोर्ड का कनेक्शन दिखाता हूँ मैं। ये देखो लूम जो सोलर पैनल है, यहाँ से ये देखो, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। ये मैंने दो वायर लाया मैंने, और ये जो सीधा कार के बैटरी में लग जाता है वो पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिया माइनस, और ये प्लस। और देखो यहाँ पर ये वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखो ये 20 वोल्टेज दिखा रहा है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसका मैंने यहाँ से ऑन कर दिया 20 वोल्टेज, मतलब ये जो बोर्ड है अभी वो डीसी वोल्टेज पास कर रहा है 20 वोल्टेज। ये देखो, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये चार्जर लगाएंगे, ये जो लैपटॉप का चार्जर, तो ऑटोमेटिकली ये लैपटॉप चार्ज होगा। और हम यही वाला पॉइंट से भी मोबाइल को भी चार्ज करके देखेंगे कि मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं होता है। तो लैपटॉप का चार्जर कहाँ है ये, ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ इधर इस पॉइंट पर। यस, फिटिंग हो गया वो ठीक से। हाँ, अब हम देखेंगे चार्ज हो रहा है कि नहीं लैपटॉप इस कोने में। नहीं, लैपटॉप तो चार्ज नहीं हो रहा है, होना चाहिए था। दोस्तों लैपटॉप तो चार्ज हुआ नहीं, फेल हो गया। अब मैं अपना फ़ोन लेकर आ रहा हूँ, देखें अभी फ़ोन चार्ज करके देखेंगे इसमें फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं होता है। चलो ठीक है, अभी इसको पिन लगा देते फ़ोन को यहाँ पर, और ये जो यूज़ भी दिया हो ये लोगों ने चार चार आउटपुट, अब इसको लगा के देखते चार्ज होता है कि नहीं। ये मोबाइल चार्ज हो रहा है भाई लोग, मोबाइल चार्ज हो रहा है। चार पॉइंट दिया है देखो यहाँ पर, ये एक दो तीन चार, देखेंगे चारों में से आउट ये होता है कि मोबाइल चार्ज होता है कि नहीं। वाह, ये चार्ज हो रहा है। कुल मिलाकर सोलर पैनल से ना फ़ोन चार्ज हो रहा है, लेकिन ये लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखो, ये हर पॉइंट काम कर रहा है। ये देखो चार पॉइंट दिया है, ये काम कर रहा है। यस वाह, ये देखो। तो ये लैपटॉप का चार्जर मैं साइड में रखता हूँ, इससे कुछ काम हुआ नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये चार्ज हो रहा है, जैसे ही मैंने ये पिन निकाल दिया, ओके, जैसे मैं इसको डालूंगा ये अंदर, ये देखो चार्ज होना चालू, 90% चार्ज, ये देखो चार्ज हो रहा है, परफेक्ट। वाह यार, कुल मिलाकर सोलर पैनल से ये देखो, ये यहाँ पर दिखा, अच्छा 0.9 एम्पियर जो है ना ये इसमें यूज़ हो रहा है पावर का। जैसे मैं अब ये निकाल दिया फिर से, ये चला गया, जैसे मैं पिन डालूंगा अंदर, ऐसा ये चार्ज होना चालू, ये देखो। वाह देखो, जो डायरेक्टली जो यूज़ भी है वो तो काम कर रहा है, ये इससे काम कर रहा है कि ना, अब मुझे वो देखना है, क्या पता शायद इसके पॉइंट में कुछ ख़राबी हो, प्लग में कुछ ख़राबी हो, देखता हूँ ये फ़ोन चार्ज होता है कि नहीं। हाँ, इसमें से हो रहा है चार्ज, पावर तो ले रहा है इसका मतलब। अच्छा, ये अभी फिर से डिसकनेक्ट हो गया, एक सेकेंड के लिए चार्ज होकर डिसकनेक्ट हो गया, नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई, मतलब इसके पॉइंट में कुछ ख़राबी लगता है। ये देखो चार्ज नहीं हो रहा है, पावर ले ही नहीं रहा इसमें से ना, इसमें से चार्ज नहीं हो रहा है, जबकि डायरेक्टली यूएसबी में लगाया तो यहाँ से चार्ज हो रहा है, लेकिन यहाँ से चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली जहाँ तक मुझे पता है, ये जो लैपटॉप ये चार्ज होना चाहिए था इस सोलर पैनल से, मुझे लगता है उस वेंट्रो का जो यूनिट है उसमें कुछ तो खराबी आ गया होगा, पता नहीं, मुझे कुछ परेशानी लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली वो जो 3 पॉइंट वाला चार्जिंग पॉइंट है वहाँ से कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा, वहाँ पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा, तो उसमें कुछ आउटपुट में कुछ दिक्कत आया होगा। नॉर्मली फ़ोन का जो चार्ज वगैरह डायरेक्टली यूएसबी लगा के अगर जो चार्ज करो तो उसमें से चार्ज हो रहा है, तो ये बात है। तो आप मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।